हेलो एवरीवन रियल एनालिसिस में प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल टॉपिक में हम पहली थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं और थ्योरम है बोरेल्स कवरिंग थ्योरम स्टेटमेंट है इसका इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी क्योंकि हम uh, कंटिन्यूस फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्लोज्ड इंटरवल पे पढ़ रहे हैं तो हमें सारी थ्योरम्स के अंदर फंक्शन हमेशा क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस गिवन होगा तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है देन फॉर एफसाइलेंट ग्रेटर देन जीरो तो एक पॉजिटिव नंबर एफसाइलेंट ग्रेटर देन जीरो के लिए पॉजिटिव है और कितना भी छोटा हो सकता है द इंटरवल ए बी कैन बी डिवाइडेड इंटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ये जो इंटरवल ए बी है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं सब इंटरवल्स में फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में सच दैट इन ईच ऑफ विच कि हर एक सब इंटरवल में मोर्ड एफओक्स वन माइनस एफ ओफेक्स टू लेस देन एफ्साइलन तो फंक्शन uh, की वैल्यू है दो पॉइंट्स पे एक्स वन और एक्स टू पे और फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस है उन दो पॉइंट्स पर तो ये डिफरेंस एफसाइलेंस से छोटा होगा फॉर एनी पॉइंट्स एक्स वन एक्स टू इन द सेम इंटरवल यहाँ पे ये जो पॉइंट एक्स वन और एक्स टू है ना ये एक ही इंटरवल में से लिए गए हैं मतलब हमने सब इंटरवल में डिवाइड किया ना तो उनमें से एक इंटरवल में से कोई भी दो पॉइंट एक्स वन एक्स टू लोगे तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी दैट इज ऑस्किलेशन ऑफ फंक्शन इज लेस देन एबसाइलेंस फंक्शन का जो ऑस्किलेशन है दोलन है वो एबसाइलेंस से कम होगा देखिए स्टेटमेंट ये बता रही है हमें फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स ये हमारा ए और ये बी इस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है ठीक है एक्स की वैल्यूज इस क्लोज्ड इंटरवल में से ली गई है तो फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है तो हमें आगे प्रूव ये करना है कि अगर हम इस क्लोज इंटरवल को फाइनाइट नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दें इसके सब इंटरवल्स है तो हमने इसको अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया तो हर एक सब इंटरवल में से किसी भी एक सब इंटरवल को चूज कर लो मतलब हर एक के लिए होगा तो मैं एक में से एग्जांपल लेके बताती हूँ जैसे मान लो ये वाला सब इंटरवल हमने लिया इसमें से कोई भी दो पॉइंट एक्स वन और एक्स टू ले लो इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो x1 पे फंक्शन की वैल्यू f(x1) x2 पे फंक्शन की वैल्यू f(x2) इनका जो डिफरेंस होगा ना इनको माइनस कर देंगे तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा ठीक है यानी कि सब इंटरवल के दो कोई भी दो पॉइंट लोगे उन पे फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस एप्सिलॉन से ज्यादा नहीं हो सकता मतलब फंक्शन का जो ऑसिलेशन है ना दोलन फंक्शन का वो एबसाइलेंस से छोटा होगा यानी कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है तो उस क्लोज इंटरवल में और उसके सब इंटरवल्स पे फंक्शन का जो ऑस्किलेशन है वो एब्साइलेंस से कम होगा ये हमें प्रूव करना है तो इसे प्रूव हम करेंगे कंट्राडिक्शन से हमें दे ये रखा है कि हर एक सब इंटरवल में ऑस्क्यलेशन जो है बी के सब इंटरवल में फंक्शन का ऑस्किलेशन एब्साइलेंस से कम होगा हम इसका उल्टा इसका कंट्राडिक्शन मान के चलेंगे ये मान के चलेंगे कि थ्योरम ट्रू नहीं है इस इंटरवल में इसके सब इंटरवल्स में फंक्शन के दो पॉइंट्स पे वैल्यूज का डिफरेंस एबसाइलेंस से छोटा नहीं है एबसाइलेंस से बड़ा है तो कंट्राडिक्शन से हम इसे प्रूव करेंगे तो मैं स्टार्ट करती हूँ प्रूफ इसका तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं जैसे मैंने कहा कंट्राडिक्शन से करेंगे लेट थ्योरम इज नोट ट्रू इन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी में थ्योरम ट्रू नहीं है मतलब इसमें इसका कम से कम एक सब इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए जो कंडीशन हमें प्रूव करनी है वो सेटिस्फाई नहीं होती इट एम्प्लाइज देअर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन sub interval of A B such that mode f of x one minus f of x two is not less than epsilon for all x one x two belongs to same interval. ठीक है थ्योरम क्लोज इंटरवल ए बी में ट्रू नहीं है मतलब इस ए बी को सब डिवाइड करने पर कम से कम एक सब इंटरवल ऐसा होगा जिसके अंदर थ्योरम की कंडीशन लेस देन एप्सिलॉन थी ना वो ट्रू नहीं होगी यानी कि जो फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस है दो पॉइंट पे, वो एप्सिलॉन से कम नहीं है ठीक है तो अब हम करेंगे क्या हम इस ये जो हमारा सब इंटरवल ए बी है जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है इसको सब डिवाइड करेंगे बाई सेक्ट करेंगे दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे ठीक है तो देखो ये जो हमारा इंटरवल ए बी है ना इसको मैं आई वन लिख रही हूँ ठीक है इसको हम ए वन बी वन लिख रहे हैं तो इसकी लेंथ क्या होगी आई वन की बी माइनस ए ठीक है अब इसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है तो हम करेंगे क्या ये सपोज ए है ये बी है ये हमारा आई वन है एक को ही हमने ए वन लिखा है बी को हमने बी वन लिखा है अब इसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है तो हम इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे बाइसेक्ट करेंगे ठीक है दो इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए प्लस बी बाय टू तो जब इस सब इंटरवल ए बी आई वन में ए बी में थ्योरम ट्रू नहीं है तो इसके ये जो दो हिस्से किए हैं हमने इनमें से कम से कम एक में थ्योरम ट्रू नहीं होगी ठीक है या तो ये इधर वाले हिस्से में थ्योरम ट्रू नहीं होगी या फिर इधर वाले हिस्से में थ्योरम ट्रू नहीं होगी तो जिसमें भी थ्योरम ट्रू नहीं है उसको हम I2 मान लेंगे ठीक है V सब डिवाइड I1 वन इंटू टू इक्वल पार्ट्स लेट थोरम इज नोट ट्रू इन आई टू ए टू बी टू अब इन ये जो दो सब पार्ट है इनमें से एक में थ्योरम ट्रू नहीं और जिसमें नहीं है ना उसको हमने आई टू मान लिया तो मान लो ये जो है इसमें नहीं है तो ये हमने ए टू ले लिया और इसको हमने बी टू ले लिया ये हमने आई टू मान लिया इसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है ठीक है तो ये आई टू भी क्लोज सब इंटरवल है और यहाँ पे देखो हमें क्लियर दिख रहा है कि आई टू जो है वो पूरा का पूरा कंटेंट इन है आई वन में और आई टू की जो लेंथ है उसकी अगर हम बात करें तो आई वन की लेंथ बी माइनस ए थी अब इसको दो बराबर भागों में बांटा है तो इसकी लेंथ कितनी होगी बी माइनस ए अपॉन ठीक है तो अब हम ये कह रहे हैं कि थ्योरम जो है वो आई टू में यानी कि इसमें ट्रू नहीं है तो वापस हम क्या करेंगे जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है उस हिस्से को दो बराबर भागों में बांटेंगे ठीक है वी सब डिवाइड आई टू इंटू टू इक्वल पार्ट्स ठीक है अब जो दो इक्वल पार्ट होंगे वो हम ऑफकोर्स यहाँ पे बीच में मिड पॉइंट लेके इसे दो बराबर भागों में बांटेंगे ये वाला और ये वाला अब थ्योरम जब इसमें ट्रू नहीं है तो इन दोनों में से कम से कम एक हिस्सा ऐसा होगा जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं होगी और जिस हिस्से में थ्योरम ट्रू नहीं है ना उसे हम आई थ्री लेंगे तो मान लो मैं यही वाला ले रही हूं जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है इसको हम ए थ्री लिखेंगे और इसको हम बी थ्री लिखेंगे ठीक है लेट थ्योरम is not true in I3. थ्री आई थ्री हमने लिया है ए थ्री बी थ्री ठीक है अब यहां पे क्लियर हमें एक चीज दिख रही है कि I3 थ्री पूरा का पूरा I2 टू में है और I2 टू ऑलरेडी पूरा का पूरा I1 वन में था और अब अगर हम I3 थ्री की लेंथ की बात करें तो ये I2 टू को दो बराबर भाटों में भागों में बांटे हमने तो ये आई टू की लेंथ है इसकी आधी यानी कि बी माइनस ए अपोन फोर यानी कि टू की पावर टू होगी इसकी लेंथ ठीक है अब ये जो आई थ्री है इसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है तो हम वापस क्या करेंगे इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो कम से कम एक में थ्योरम ट्रू नहीं होगी जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है उसको आई फोर लेंगे तो आई फोर आई थ्री में कंटेंट ही होगा आई थ्री आई टू में आई टू आई वन में और आई फोर की लेंथ क्या हो जाएगी b माइनस ए अपॉन टू की पावर थ्री तो इस प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करते हैं n टाइम्स के बाद हमें जो सब इंटरवल मिलेगा जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है वो आई एन होगा ए एन बी एन आई एन आई एन माइनस वन में कंटेंट होगा वो उससे पहले वाले में कंटेंट इन होगा सो ऑन यानी कि एक चैन मिलेगी क्लोज इंटरवल्स की जो एक दूसरे के अंदर कंटेंट इन है और आई एन की लेंथ क्या होगी बी माइनस ए अपॉन टू की पावर एन माइनस वन ठीक है तो आफ्टर कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस आफ्टर कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी गेट आई एन ए एन बी एन ये आई एन मिला हमें इन विच थ्योरम इज नोट ट्रू जिसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है एंड आई एन कैसा है आई एन माइनस वन में कंटेंट इन सो ऑन आई थ्री में आई टू में आई वन में एंड आई एन की लेंथ क्या होगी बी माइनस ए अपॉन टू की पावर एन माइनस वन ठीक है अब हमें आई एन मिल गया जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है अब ये जो क्लोज इंटरवल है इनको देखो आई वन आई टू आई थ्री ये सारे क्लोज इंटरवल है एक दूसरे के अंदर कंटेंट इन है और इनकी लेंथ जो है वो अगर हम एन टेंड्स टू तो इन्फिनी लें तो लेंथ कैसी होगी b माइनस ए अपन टू की पावर इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी कि जीरो ठीक है तो यहां पे जो नेस्टेड इंटरवल वाली थ्योरम थी हमने प्रूव की थी वो यूज करेंगे हम तो आई एन आर क्लोज इंटरवल्स सच दैट आई वन कंटेन्स आई टू कंटेन्स आई थ्री सो ऑन कंटेंस आई एन एंड ये जो लेंथ ऑफ आई एन है टेंस टू जीरो एज एंड टेंस टू इंफिनिटी ठीक है तो कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम से बाय कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम तो आप कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम चेक करिएगा उसमें ये था कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ये क्लोज इंटरवल्स हैं, एक दूसरे के अंदर कंटेंट इन है नेस्टेड है और लेंथ अगर टेंड्स टू जीरो एज एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी तो इनके इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली वन पॉइंट होता है देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट एन इंटरसेक्शन आई एन इनके इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली वन पॉइंट होगा तो वो जो एक पॉइंट इंटरसेक्शन में है वो हम एल्फा मान लेते हैं लेट एल्फा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई एन ठीक है तो ये जो अल्फा पॉइंट है ये i1, i2, i3 इनके इंटरसेक्शन में है यानी कि इन सब में कॉमन है तो अब जब अल्फा इंटरसेक्शन में आ रहा है इसका मतलब हम कह सकते हैं अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी ठीक है क्योंकि अल्फा आई वन में भी तो होगा और यही तो हमने आई वन लिया था तो अल्फा इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग करता है अब देखो फंक्शन हमें क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस दे रखा था एफ ऑफ एक्स फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है मतलब इस इंटरवल के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन एल्फा पे भी कंटिन्यूस होगा सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए बी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है इट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूस ऑन एल्फा एल्फा पॉइंट पे भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा अब हम यहाँ पे कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाएंगे फॉर एफ ग्रेटर देन जीरो कंटिन्यूटी की कंडीशन देयर एग्जिस्ट क्रोनिकल डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एल्फा लेस देन एफ्साइलन वेनेवर एक्स माइनस एल्फा लेस देन क्रोनिका डेल्टा अच्छा इसे लेस देन एप्साइलन बाई टू लेते हैं ठीक है ये ऐसा हम ले सकते हैं क्योंकि हमें एक पॉजिटिव नंबर से इसका डिफरेंस कम लेना होता है तो एप्साइलन बाई टू से अगर छोटा है तो एप्साइलन से भी छोटा ही होगा ठीक है तो ये कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा ली हमने अब अच्छा इसको हम ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू एल्फा माइनस क्रोनिकर डेल्टा एल्फा प्लस क्रोनिकर डेल्टा जब एक्स जो है वो एल्फा के क्रोनिकर डेल्टा नेबरहुड में है तो ये कंडीशन ट्रू होती है ठीक है अब ऐसा करते हैं हम इस जो ये जो नेबरहुड है एल्फा का क्रोनिकल डेल्टा नेबरहुड इसमें से दो पॉइंट लेते हैं एक्स वन और एक्स टू लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एल्फा माइनस क्रोनिकल डेल्टा एल्फा प्लस क्रोनिकल डेल्टा और हम फंक्शन की वैल्यूज का इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंस निकालते हैं तो इसे हम ये लिख सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एल्फा प्लस एफ ऑफ एल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स टू ठीक है इसे हम ये लिख सकते हैं लेसन इज इक्वल्स टू एफ़ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एल्फा प्लस एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एल्फा ठीक है देखो मोड लेके मोड के अंदर हम ऑर्डर uh, चेंज कर सकते हैं अब एक्स वन जो पॉइंट है वो इस सब इंटरवल में बिलोंग करता है सब इंटरवल में नहीं सॉरी इस नेबरहुड में बिलोंग करता है तो हमने ये कहा कि इस नेबरहुड में बिलोंग करने वाले हर एक्स के लिए एफ ओ माइनस एफ एल्फा का डिफरेंस ऑफ साइलन बाई टू है ठीक है सिमिलरली एक्स टू पॉइंट भी यहाँ पे बिलोंग करता है तो अगेन एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एल्फा का डिफरेंस भी एफसाइलन बाई टू होगा तो हम इसे लिख सकते हैं लेस देन एफसाइलन बाई टू प्लस एफसाइलन बाई टू यानी कि एफसाइलन तो मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू का डिफरेंस जो है वो लेस देन एफ्साइलन है ठीक है अब अगर हम ये एक्स वन और एक्स टू जो है वो एक सब इंटरवल आई एन में से ले लें अगर हम ये मान ले लेट जो आई एन की लेंथ थी ना वो लेस देन है एप्साइल क्रोनिका डेल्टा बाई टू अगर हमने आई एन की लेंथ क्रोनिका डेल्टा बाई टू से कम ले ली ठीक है तो ये जो या फिर ऐसे कह लो और अगर हम ऐसे ले लें ले, आई एन पूरा का पूरा एल्फा माइनस क्रोनिका डेल्टा एल्फा प्लस क्रोनिकल डेल्टा के अंदर बिलोंग करता है अब आई एन तो हम इंटरवल छोटा करता करते करते लेके जा रहे थे तो हम हमारी जो क्रोनिकल डेल्टा की चॉइस है वो भी आर्बिट्रेरी है और ये कितने सब इंटरवल में डिवाइड किया है वो भी आर्बिट्रेरी है तो हमने इस तरह से क्रोनिकल डेल्टा चूज किया कि आई एन पूरा का पूरा इसके अंदर आता है ठीक है तो अब आई एन अगर इसके अंदर है पूरा का पूरा तो अगर हम एक्स वन और एक्स टू दो पॉइंट आई एन में से लेंगे तो ये जो दोनों पॉइंट है ये इसके क्रोनिकल डेल्टा नेबरहुड में जाएंगे क्योंकि आईएन पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेंड इन है और जैसे ही एक्स वन और एक्स टू दो पॉइंट अल्फा के इस नेबरहुड के अंदर गए तो उनका जो डिफरेंस है उन पे फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस वो एप्साइलन से छोटा है ठीक है तो एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू लेस देन एपसाइलन तो इसका तो मतलब ये हो गया कि आई एन जो सब इंटरवल है इसमें से अगर हम दो पॉइंट लेते हैं x1 x2 तो उन पे फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस जो है वो एपसाइलन से छोटा आ रहा है यानी कि आईएन में थ्योरम ट्रू है लेकिन हम तो मान के चल रहे थे कि थ्योरम ट्रू नहीं है आई आईएन के अंदर यही तो किया था ना हमने सबसे पहले i1 में थ्योरम को माना था कि ट्रू नहीं है फिर i2 में फिर i3 में फिर i4 में सो ऑन तो हमने कहा था आईएन के अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है तो आई एन के अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है मतलब ये जो डिफरेंस है ये तो एफ साइलन से छोटा नहीं होना चाहिए था पर अभी यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंस एबसाइलेंस से छोटा आ गया यानी हम कह रहे हैं थ्योरम आई एन में ट्रू है यानी कि ये तो कंट्राडिक्शन हो गया मतलब हम जो मान के चले थे इनिशियली वो गलत था और हम ये मान के चले थे कि थ्योरम क्लोज इंटरवल ए बी में ट्रू नहीं है तो वो गलत था थ्योरम क्लोज इंटरवल ए बी में ट्रू होगी तो मैं बस इसको लिख देती हूँ अब क्योंकि हम इस कंडीशन तक तो पहुंच चुके हैं इसका डिफरेंस लेते हैं एक्स वन एक्स टू तो आई एन में बिलोंग करता है इसका मतलब ये हुआ थ्योरम इज ट्रू इन आई एन आई एन में थ्योरम ट्रू हो गई विच इज कंट्राडिक्शन ये तो विरोधाभास हो गया इसका मतलब ये हुआ आर अजम्पन एज रोंग हमारा जम्शन जो था जो हम एज्यूम करके चले थे वो गलत था और रिजल्ट क्या हुआ थ्योरम एज ट्रू इन क्लोज इंटरवल ए बी थ्योरम क्लोज इंटरवल ए बी में ट्रू है यानी कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होता है तो इस क्लोज इंटरवल ए बी को फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दो और किसी भी सब इंटरवल में से दो पॉइंट एक्स वन एक्स टू ले लोगे तो एक्स वन और एक्स टू पे फंक्शन की वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा ना यानी कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू जो होगा वो किसी पॉजिटिव नंबर एफ साइलेंस से कम आएगा या फिर ऐसे कह लो फंक्शन का जो ऑस्क्यूलेशन है फलन का जो दोलन है वो एफ से कम होगा तो ये बोरेल्स कवरिंग थ्योरम का प्रूफ आई होप आपको समझ आया होगा अगली वीडियो में हम अगली थ्योरम करेंगे अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू